नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का पोस्टिंग होनी है, ये बात आप सभी जानते हैं, और इसके लिए जो नियमावली बनना है वो भी तैयार हो चुका है। आज कैबिनेट की बैठक में ये भी उम्मीद लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आज नियमावली पर मुहर लग जाए। शिक्षा विभाग की तरफ से यह न्यूज़ अखबार के माध्यम से आज प्रकाशित किया गया था कि शिक्षा विभाग ने नियमावली पर मुहर लगा दी है। लेकिन इसी बीच 1/10/2024 आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है, क्योंकि जो साथी हमारी काउंसलिंग से वंचित रह गए थे उनको लगता था कि पता नहीं हमारी काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा। पर आप सभी देख रहे होंगे प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की ज्ञापांक संख्या भी दिया गया 16/7/24 एवं जिला पदाधिकारी गोपालगंज के ज्ञापांक संख्या 545 दिनांक 29/7/2024 के द्वारा दिनांक 1/8/2024 से 13/9/2024 तक सक्षमता प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्य DRCC बसडीला में आयोजित की गई थी। सत्यापन के क्रम में कुछ शिक्षकों का विभिन्न प्रमाण पत्र संदेहास्पद पाया गया है। ऐसे सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को जिला स्तर पर पुनः जांच किया जाना है। जांच हेतु निम्न रूपेण संयुक्त त्रिसदस्यीय समिति का गठन जो है वो किया गया है, यानी कि सक्षमता उत्तीर्ण जो भी नियोजित शिक्षक काउंसलिंग से वंचित हो गए थे उनका फिर से काउंसलिंग की तिथि यहाँ पर जारी किया गया है। उपरोक्त के आलोक में प्रभारी लिपिक श्री प्रीतम कुमार को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समयानुसार जाँच स्थल पर उपस्थित होकर प्रतिदिन का जांच प्रतिवेदन और हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रमाण पत्रों को पुनः जांच दो समय सारणी पत्र के साथ संलग्न है। निर्धारित समय तिथि को उपस्थित नहीं होने की स्थिति में कार्यालय इस संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा। यानी कि एक बार फिर से काउंसलिंग जो है किया जाएगा और जाँच स्थल का यहाँ पर नाम भी दिया गया है। तो जो साथी हमारी काउंसलिंग से वंचित रह गए हैं, मुझे लगता है कि 3800 जिला में यह लेटर फिर से जारी होगा, क्योंकि बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया था, तो फिर से आपका एक बार काउंसलिंग किया जाएगा। और हमें जहां तक लगता है कि अब जब तक ये काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक पोस्टिंग कैसे किया जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से भी आपने देखा होगा कि लेटर जारी किया गया था SES को, और उन्हें कहा गया था कि इस काम को जल्दी से जल्दी किया जाए, पर अलग अलग जो है पोस्टिंग नहीं किया जा सकता, होगा तो सबका एक साथ होगा। तो देखिए, स्थानांतरण पोस्टिंग को लेकर के जो नीति आनी है वो भी नहीं आई है, और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो बयान था वो भी एक तरह से फेल कर गया। यानी कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 30 सितंबर तक हम स्थानांतरण पोस्टिंग की जो नीति है उसको हम बाहर करेंगे, यानी कि उस पर मोहर लगा देंगे, उसको पास कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षकों के बीच में अभी यदि देखा जाए तो बहुत ही असमंजस की स्थिति है कि आखिर शिक्षा विभाग में आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि आप सभी इंतजार कर रहे थे कि आज जो है स्थानांतरण पोस्टिंग की नियमावली जो है वो हम सभी के बीच में होगा, हम सभी उसको देखेंगे कि आखिर इसमें क्या हमारे लिए दिया गया है। पर आपका इंतजार अभी थोड़ा सा और करना होगा, तो देखिए क्या सब होता है। पर आप बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ, पल पल की अपडेट में आप सभी को शिक्षा विभाग का देता रहूँगा विश्वास दिलाता हूँ। आपसे निवेदन होगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।